बता दूं कि बहुत सारे मिलियंस ऐसे यूजर हैं जो अपने एंड्रॉइड फोन में और आईओएस फोन में गूगल एडसेंस का ऐप यूज करते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे जो मिलता है या फिर जो ऐप स्टोर पे मिलता था, और उसके अंदर अपना सीटीआर वगैरह जो भी चेक करना होता तो करते थे। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है गूगल की तरफ से। अब गूगल प्ले स्टोर से एडसेंस ऐप को बंद कर दिया गया है, हटा दिया गया है, अब आप इसे डाउनलोड नहीं कर पाओगे। एक चीज और यहां पे बता देता हूं, अगर आपके मोबाइल में ये ऐप पहले से ही इंस्टॉल है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में जो इसके डेटा है वो सही नहीं आएंगे और आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो अब यहां पर गूगल ये कहता है कि भाई उन्होंने ऐप को बंद किया है मोबाइल यूजर्स के लिए, चाहे वो आईओएस यूज करते हो चाहे वो एंड्रॉइड यूज करते हो, लेकिन अभी भी एडसेंस की सर्विस बंद नहीं हुई है, सिर्फ एडसेंस का ऐप बंद हुआ है। और इस सर्विस का यूज करने के लिए आप सफारी या फिर गूगल क्रोम एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर में जाकर आप एडसेंस पे अपना सीटीआर वगैरह सब चेक कर सकते हो और उसका अपने मोबाइल में होम स्क्रीन पर भी लगा सकते हो आइकन, ठीक है। लेकिन जब भी आप उस पर क्लिक करोगे वो सीधा आपको वेब पेज पर ही ले जाएगा। अब ये बंद क्यों किया गया है इस पर ज्यादा कुछ खुलासा गूगल ने नहीं किया है। बस एक चीज जरूर है कि वो जो एडसेंस था उसमें जो डेटा दिखा रहा था उसमें कुछ खामियां थी, कुछ सही नॉलेज नहीं मिल रही थी यूजर्स को। तो अगर आप भी अपना सीटीआर, पेमेंट, अर्निंग ये सब चेक करने के लिए गूगल एडसेंस की ऐप यूज करते थे तो अब आप उसको प्ले स्टोर से ना अपडेट कर पाएंगे और ना ही डाउनलोड कर पाओगे। लेकिन गूगल ने यहां पे एक चीज और कही है कि आने वाले टाइम में वो कोई कॉमन इंटरफेस पर काम कर रहा है, कोई ऐसा कॉमन वेब इंटरफेस लेकर आएगा जिस पर सारी एप्लीकेशंस को आप आईओएस, एंड्रॉइड और वेब पेज पर एक साथ इस्तेमाल कर पाओगे और मोबाइल पर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। फिलहाल के लिए इस ऐप को हटा दिया गया है गूगल प्ले स्टोर से भी और आईओएस स्टोर से भी। अगर ये जानकारी आपको